वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के ग्रुप में आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज के सेशन में जो है हम कुछ और रूल्स, कुछ और कॉन्सेप्ट्स, जो है कुछ और व्याख्या सीखेंगे कि किन लफ्जों पर अंकुर नहीं लगती। पिछले लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा दूं। पिछले लेक्चर में जो है हमने गुरबाणी व्याकरण में जो है वो लफ्ज देखे थे जिनको अंकुर नहीं लगती और उनके पीछे वजूहात जानी थी। वो क्या वजह थी कि बहुवचन, अगर हमारे पास गुरबाणी में कुछ वर्ड्स आ जाएं, कुछ लफ्ज आ जाएं जो बहुवचनों, बहुतों के लिए हों, जो प्लूरल हों, या फिर जो उर्दू में हम कहते हैं जमा के लिए हों, उन लफ्जों को अंकुर नहीं लगती। आप सबको आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? जिन संगतों को वॉल्यूम का इशू है या आवाज का इशू है, वो कोशिश करें कि अपने पास जो है हेडफोन्स वगैरह यूज करें ताकि आपको आवाज क्लियर हो सके। बिल्कुल तो उम्मीद है बहुवचन, क्योंकि ग्रुप में जो है हमने व्हाट्सएप ग्रुप में संगतों से होमवर्क भी लिया था बहुवचन पर, और जिनकी जिनकी जो मिस्टेक्स थी उन मिस्टेक्स को भी क्लैरिफाई किया गया था ग्रुप में ही। और उम्मीद है कि बहुवचन और बहुवचन के विशेषण वाला कॉन्सेप्ट जो था वो सबको क्लियर हो, सारी संगत को क्लियर हो। आज एक और रीजन जानेंगे कि किन शब्दों पर, किन लफ्जों पर अंकुर नहीं लगती और किस वजह से नहीं लगती। ठीक है संगत जी, उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट लेंगे ताकि पता चल जाए कि कितनी संगतों को अंकुर लगने की ना लगने की व्याख्या के बारे में पता चल गया है। बिल्कुल। तो अच्छा, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने सिर्फ इतना बताना है कि ये सही है या गलत, ठीक है। और जिन जिन को पता है वो हैंड रेस कर दें। तकरीबन चार संगतों से मैं पूछूंगा, तीन तीन जो है हर संगत बताएगी। ठीक है, मैं नीचे से शुरू करता हूँ। ज्योति भाई जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ सबसे पहले। जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ज्योति भाई जी, आप अनम्यूट हो चुकी हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जी ज्योति भाई जी, बताइए। हमारे पास यहाँ पर पहला लफ्ज है, आपने तीन लफ्ज बताने, मैं तीनों पहले पढ़ देता हूँ। एक दात, असंख्य चोर, बहुते दुख। आपने सिर्फ ये बताना है कि ये सही हैं या गलत हैं। इसमें एक विशेषण है तो एक नाउन है। इसमें एक दात जो है वो गलत है क्योंकि ये बहुवचन नहीं है। नहीं, यहाँ पर बहुवचन और एक वचन की बात नहीं होगी। आपने सिर्फ दोनों लफ्जों को देख के, विशेषण और नाउन को देख के यही बताना है कि ये नाउन और विशेषण दोनों सही लिखे हैं या नहीं लिखे हुए। ओके, सही है। पहला सही है, एक दात। पहला सही है, ठीक है। जी, क्योंकि दात जो है वो एक है। और असंख्य चोर, ओंकुर भी लग गई, ठीक है। तो हमें सिग्निफिकेंस मिल गया कि दोनों लफ्ज सही लिखे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, असंख्य चोर सही लिखा हुआ है जी। असंख्य चोर, बिल्कुल ठीक है जी। असंख्य किसको कहा जाता है? असंख्य मत बहुत ज्यादा। असंख्य मीन्स बिल्कुल, बहुत ज्यादा। देखिए, विशेषण हमें विशेषता बता रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा किसी की बात हो रही है। पर जब चोर के साथ अंकुर लगे, अंकुर का तो ये मतलब होता है कि एक वचन, तो मतलब यहाँ पर ये सही नहीं लिखा हुआ। ओके, सही है यार जी जी, ये गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि चोर के साथ अंकुर लगी है। अगर चोर के साथ अंकुर नहीं लगी होती तब ये बिल्कुल ठीक होता, ठीक है। अच्छा, बहुत ही दुख, बहुत ही दुख तो सही होगा ना, क्योंकि जो दुख है वो बहुत है और दोनों में अंकुर नहीं लगी हुई। ठीक है, कथे को अंकुर नहीं लगी हुई, इससे हमें पता चल रहा है बहुत सारे दुखों की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आपको दोबारा म्यूट कर देता हूँ और किसी और संदर्भ को अनम्यूट कर दूंगा अभी।
पूनम कलंदरी जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। खालसा जी, पूनम कलंदरी जी बताइए, एक रोग बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है या गलत है? भैया एक रोग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रोग जो होता है वो एक ही होता है, बहुत भी होते हैं, मिस एक पे ओंका लगी हुई है, इससे एक ही है, एक रोग बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा, अगर बहुत रोग हमारे पास हैं ठीक है, तो उसके विशेषण को तो उनको नहीं लगनी चाहिए थी, पर यहाँ पर विशेषण को लगी जी हुई है। आपकी बहुत है, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ दोबारा, ठीक है, किसी और से पूछ लेते हैं। राधिका जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी राधिका जी, आप एक सेकंड। जी राधिका जी, आप अनम्यूट हो गई हैं। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी बताइए, एक रोग ठीक लिखा हुआ है? नहीं, एक रोग गलत है, क्योंकि एक जो है वो एक रोग जो है वो बहुत सारे बोल रहा है यहाँ पे, पर रोग अगर एक होता तो यहाँ पे जो है औंकड़ होता, तो अच्छा ठीक है, मीन्स ये गलत ये लिखा हुआ, गलत ठीक है है ठीक जी, ये गलत है है ओके। कई दांत, जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कई मतलब बहुत सारी, और दांत तो दांत औंकड़ नहीं लगा, मतलब एक नहीं बहुत है, तो ये सही है। बहुत जबरदस्त। अच्छा ठीक है, सब सुख, सब सुख, ये सुख को ओंकार लगा हुआ है, मतलब वहां पे एक सुख की बात हो रही है, पर यहाँ पे सब है तो ये भी गलत होगा। ये गलत होगा पक्का? नहीं, अगर क्योंकि एक विशेषण की को भी बात है, हो रही और है, नहीं, ये सही है, क्योंकि विशेषण को भी ओंकार है और नाउन को भी है, तो ये सही है। चलें जब ठीक है, ये एकवचन ठीक हो होगा गया। और नाउन, अच्छा तो एक उसके संगत का विशेषण मैसेज को भी आया हुआ है लगेगा चैट ओंकार। बॉक्स में कि, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा किसी संगत का मैसेज आया हुआ है चैट बॉक्स में, काइंडली उनकी हेल्प कर दें, उनको बता दें कि वो ऑडियो ज्वाइन कर लें अपना, ताकि उनको साउंड रिसीव हो जाए। कोई भी संगत मैसेज कर दे चैट चैट बॉक्स में जी उनको। ठीक है, चलिए मैं किसी और को अनम्यूट कर देता हूँ अभी। जी किसको किया जाए, काफी संगतों ने हैंड रेस किए हुए हैं। आपकी तरफ से बहुत ही उत्साह मिल रहा है गुरबाणी व्याकरण सीखने में, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप हर काम में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संध्या राजानी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी वाहिगुरु भैया, जी का वाहे खालसा, भैया, वाहिगुरु वाहे जी का खालसा, फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। भैया पहले तो लाइट बंद थी, तो टेस्ट मुझे नहीं पता किस चीज़ का बताना है, तो आप पहले मुझे वो बता दें कि कौन सा बता दूं आपको? अच्छा ये टेस्ट आप किस चीज़ का ले रहे हैं। ये टेस्ट किस चीज का हो रहा है? देखिए इसमें आपके पास जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, सिर्फ आपने इतना बताना है कि नाउन और विशेषण दोनों को देख के कि ये सही लिखे हुए हैं या गलत लिखे हुए हैं, ठीक है? जितना भी हमने पिछला पढ़ा है ना, उसी के आधार पर आपका ये टेस्ट हो रहा सही, तो है। जी तो अमूल गुण अमूल गुण, सही लिखा हुआ है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि गुण पर अंकुर लगा हुआ है और ओके okay. अमूल पर लगा हुआ, तो इस वजह से ये गलत हो नहीं जाएगा। लगा हुआ तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा अनेक रंग, ये भी गलत होगा, क्योंकि ये इसमें भी गलत भी होगा क्यों? अनेक पर अंकुर लगा हुआ है ना। अच्छा तो अगर रंग हमारे पास अगर बहुत सारे हैं, पर अनेक पर अंकुर लगा हुआ मीन्स की एक वचन की बात हो गई, इस वजह से ये जी, गलत ये हो गलत जाएगा, है, ठीक है। असंख्य ज्ञान, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ठीक है। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ दोबारा, और एक और संगत को अनम्यूट कर दूंगा अभी। जी पायल जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहे जी खालसा, वाहे जी फतेह।
जी पायल जी, छह उपदेश बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जी सही लिखा हुआ है, छह काउंटिंग है और उपदेश। छह किसको कहा जाता है? मीन सिक्स। छह बिल्कुल सिक्स को कहा जाता है। अच्छा जब छह हो गए, हमारे पास छह आ गए, सिक्स नंबर्स आ गए, ठीक है। उपदेश टुकड़ा, उपदेश तो किसी एक की बात कर रहा है, तो क्या ये सही होगा? नहीं ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर तब ये सही होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अच्छा बेअंत गुण, ये सही है, ये सही है जी जी बिल्कुल सही है। रीजन भी बता दें, चलिए। गुण में ओंक ने केते मूरख, केते मूरख मूरख, सही है ये, सही है पक्का? जी जी बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, आप कह रही हैं सही है, कोई और संगत अगर बताना चाहे मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ कि ये सही है या नहीं। किनको अनम्यूट किया जाए? राज वंथारनी जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब ये गलत है मेरे ख्याल से, कहते जो है ना ये सिंगुलर नहीं प्लुरल को शो कर रहा है, क्योंकि कहता होता ना फिर एक होता, कहते बहुत से हो रहे हैं, तो मूरख जो है ना वो ओंकार लगा हुआ है और ओंकार लगी हुई है, तो ये मूरख तो एक सिंगुलर हो गया। जी 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 सही, अगर मूरख पे ओंकार ना होती ना तो फिर ये सही होगा, क्योंकि फिर बहुत से मूरख बात भी होती है, यहाँ पे तो ये गलत है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर मूरख पर ओंकार नहीं होती तब यहाँ पर बहुतों की बात हो रही होती, तो ये भी हमारे पास गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया संगत जी, आप जी ने जो है काफी सारे संगतों ने सही पार्टिसिपेट किया और सही रीजंस भी बताए, और जिनको नहीं भी पता होंगे, जिनको नहीं पता होगा कि विशेषण को भी देखा जाता है, विशेषता को भी देखी जाती है, तो उनको भी अभी पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ पर हम गलत थे और कहाँ कहाँ पर हमने सही होना है, ठीक है। टेस्ट इसलिए नहीं दिया जाता कि किसी को गलत स्पेसिफाई किया जाए या किसी को सही स्पेसिफाई किया जाए, नहीं, टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि जिनको कोई चीज नहीं पता होती या जिनसे किसी चीज समझने में कोई चीज समझने में मिस्टेक हो जाती है, वो उनको क्लैरिफाई हो जाती है टेस्ट के दौरान, ठीक है संजय जी। तो आगे चलते हैं, आज हम ओंकार ना लगने का एक और कारण, एक और रीजन पढ़ेंगे। आप सारी संगत से विनती है कि दोबारा आप अपने जो हैंड्स हैं वो डाउन कर दें। तो जैसे हमने पहले मुक्ता का एक कारण पढ़ लिया था, आज हम दूसरा कारण पढ़ेंगे, ठीक है। मुक्ता कहा जाता है ओंकार ना लगने को, मीन्स के जब हमारे पास ओंकार नहीं लगेगी आखिरी में किसी वर्ड को, तो वहां पर मुक्ता ही लगेगा। और दूसरा कारण क्या है कि लफ्जों को ओंकार नहीं लगती, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। स्त्रीलिंग नावा दे अंत विच आम तौर पे ओंकार नहीं हुंदा, मुक्ता हुंदा है। मीन्स की एक और रीजन हमें आज पता चल गया कि स्त्रीलिंग नाउंस को भी ओंकार नहीं लगती। जैसे कि हमने कल ये रीजन पढ़ा था कि बहुवचन, मीन्स के बहुत ज्यादा जो लोगों के लिए या बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए बरता जाए लफ्ज, तब उसको ओंकार नहीं लगती। साथ ही साथ आज हमें दूसरा रीजन भी पता चल गया कि स्त्रीलिंग, अगर कोई लफ्ज हो, कोई लफ्ज स्त्रीलिंग के बारे में हो, तो उसको भी ओंकार नहीं लगती। सारी संगत से विनती करूंगा कि जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो एट द एंड ऑफ लेक्चर आप करें। जी छह के उच्चारण तक किस तरह होगी, ये भी आपको शुद्ध उच्चारण में सिखाया जाएगा। हाल फिलहाल आप इतना ही याद रखें कि आपने छह स्यारी उच्चारण करनी है, उसके आगे का जो आयरा है वो उच्चारण नहीं करना, और वो क्यों उच्चारण नहीं करना वो हम शुद्ध उच्चारण में पढ़ेंगे, छह पढ़ा जाएगा, ठीक है, ऐसा समझ लें, छह छह लावा उच्चारण होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, हम इसी डेफिनेशन की कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, स्त्रीलिंग लफ्जों की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे जिमें, मेरे ख्याल से आवाज थोड़ी कट हो रही होगी, क्या आवाज बिल्कुल ठीक है? जी आवाज क्लियर है सबको। केते मूरख एक सवाल आया हुआ था कि केते मूरख का क्या मतलब है, सही
संगे जी कीर्ति मूरख का मतलब है कई सारे मूरख, पर मूरख को वहां पर ओंकार लगी हुई थी, मींस के एक मूरख की बात हो रही थी, इस वजह से वो गलत हो गया था। ठीक है, अगर वहां पर खके को ओंकार ना होती तब हमारे पास नाउन और विशेषण बिल्कुल बराबर होते कि कई सारे मूरखों की बात हो रही है। एक सवाल आया हुआ था उसके जवाब दे रहा था। अच्छा हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। केते मीन्स कई, ठीक है, केते मीन्स कई, बहुत सारे। अच्छा जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ वर्ड्स आ गए, प्यास, बुक, नीड, सेव, कलम। बुक कहा जाता है बुक को, प्यास कहा जाती है प्यास को ही, ठीक है, नींद, नींद जो हम सोने वाली नींद होती है उसको कहा जाता है, सेव कहा जाता है सेवा को, कलम पेन को कहा जाता है। प्यास हमारे, हमें प्यास लगती है, लगता नहीं है, ठीक है। प्यास हमारे पास क्या हो गया, स्त्रीलिंग वर्ड्स हो गए। स्त्रीलिंग कहा जाता है जो हमारे पास फेमिनाइन वर्ड्स आ जाते हैं या मॉनस वर्ड्स आ जाते हैं उनको स्त्रीलिंग कहा जाता है, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर्स में डेफिनेशंस वगैरह हर चीज पढ़ चुके हैं। और जिनको लेक्चर्स क्लियर नहीं है या डेफिनेशंस वगैरह उन्होंने नहीं देखी तो आप दोबारा से यूट्यूब पर जाके, चैनल पर सारी जो है वीडियोज अपलोडेड हैं, डे फर्स्ट से आप जो है वहां से अटेंड कर सकती हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि लेक्चर कंटिन्यूसली चल रहा होता है तो दोबारा डेफिनेशंस वगैरह रिपीट नहीं की जा सकती। तो प्यास हमें लगती है, लगता नहीं है, प्यास हमारे पास क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग लव्ज है। भूख या बुक, बुक भी लगती है, लगता नहीं है, ठीक है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग लव्ज हो गया। नींद आती है, आता नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से नींद भी स्त्रीलिंग हो गया। सेवा हम सेवा की जाती है, ठीक है, की जाता नहीं, किया जाता नहीं है, तो सेव जब भी आएगा, सेव वैसे जैसे सेवा है ना, सेवा हम करते भी हैं, तो सेव दोनों के लिए वर्ता जाएगा। सेव अक्सर औकात स्त्रीलिंग के लिए भी और सेव अक्सर औकात पुलिंग के लिए भी वर्ता जाएगा। पंक्ति के हिसाब से हमने देखना पड़ेगा कि सेव किसी स्त्रीलिंग के वर्ता गया या किसी पुरुष के लिए वर्ता गया, ठीक है। कलम, कलम कहा जाता है लिखने वाली जो कलम होती है, और कलम होती है, होता नहीं है, ठीक है संजय जी, कलम भी हमारे पास स्त्रीलिंग लव्ज है। आगे चल के अभी हम गुरबाणी के उदाहरण देख लेते हैं, गुरबाणी में से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि ये जो डेफिनेशन है जिन लफ्जों को ओंकार नहीं लगती वो हमें और भी क्लियर हो जाए। हम गुरबाणी में पंक्ति पढ़ते हैं जपजी साहब की, जब हम रोज पंक्ति पढ़ते हैं ना, गुरु महाराज कहते हैं पर्याय हाथ पैर तन देह। अब देखिए जब ये पंक्ति गुरु महाराज श्रमान करते हैं वहां पर गुरु महाराज हाथ पर भी अंकुर लगाई, गुरु महाराज ने हाथ पर भी अंकुर लगाई है, पैर पर भी अंकुर लगाई है, तन पर भी अंकुर लगाई है। मीन्स के गुरु महाराज एक ही शरीर के दो हाथों की बात करें, बहुत सारे हाथों की बात नहीं करें, एक ही शरीर के हाथों की बात करें, इसलिए गुरु महाराज ने हाथ पर अंकुर लगाई है, ठीक है। पैर, एक ही शरीर के पैर की बात करें, इसलिए गुरु महाराज ने पैर पर भी अंकुर लगाई है। इसी तरह गुरु महाराज एक ही तन की बात करें तो गुरु महाराज ने तन को भी अंकुर लगा दी, पर देह को अंकुर नहीं लगी हुई। देह को अंकुर क्यों नहीं लगी हुई, क्योंकि देह का मतलब होता है देही, ठीक है संजय जी। देही हमारे पास क्या है, स्त्रीलिंग है, देही होती है, देही होता नहीं है, ठीक है। देही भी तन को ही कहा जाता है, और देही जो हमारे पास लफ्ज है वो स्त्रीलिंग के लिए वर्ता जाता है। पर यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर यहाँ पर ओंकुर भी लग जाती तो वो तो हमारे पास क्रिया बन जाती, क्योंकि देहो, देहो हमारे पास क्या होता है, क्रिया होता है। देह का मतलब होता है स्त्रीलिंग, और देही मतलब होता है, और ये स्त्रीलिंग के लिए वर्ता जाता है, इस वजह से यहाँ पर ओंकुर भी नहीं लगी। पर्याय, ये गुरु महाराज पूरी पंक्ति में बता देता हूँ, यहाँ पर लिखी हुई है, बरिया हाथ पैर तन दे पानी दोता है उतरसखे। मीन्स के हाथ पांव और तन देह जो हमारी है, देही जो हमारी है वो भर गई है मिट्टी से। भरिया का यहाँ पर मतलब है भर गई है, ठीक है। भरिया यहाँ पर यही मीनिंग होगा कि हमारा तन जो है, हमारे हाथ जो है या हमारे पैर जो है वो मिट्टी से भर गए हैं। मिट्टी का, खे का मतलब होता है मिट्टी, पानी दोता है उतरसखे, ठीक है। खे पर भी अंकुर इसी वजह से नहीं लगी, क्योंकि खे का मतलब होता है मिट्टी, और मिट्टी भी हमारे पास क्या है, स्त्रीलिंग लफ्ज है। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी ना कि जो जो हमारे पास स्त्रीलिंग लफ्ज होंगे
उन पर अंकुर नहीं लगेगी। गुरु महाराज यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि थे के साथ या मिट्टी के साथ हाथ पांव हमारे या तन जो है, देह जो है वो मिट्टी से भरे हुए हैं, ठीक है, भरी है हाथ पैर तन देह, पर जो अगर हम पानी लगा देते हैं ना, पानी लगाने से जो ऊपर की मिट्टी है या ऊपर की मैल है वो उतर जाती है, पानी धोता है उतरस खे, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जेकर पूजा अपना ता नींद न होई, एक सेकंड संध्या जी, यहां पर देखें आप, नींद हमें आती है आता नहीं है, नींद भी हमारे पास क्या है, स्त्रीलिंग लव्स है, इस वजह से नींद के साथ भी अंकुर नहीं लगी। यहाँ पर पंक्ति के क्या अर्थ हो जाएंगे, जेकर पूजा अपना ता नींद ना होए, जे अगर कोई घर पर देखिए अंकुर लगी हुई है, मीन्स की ये किसके घर की बात हो रही है, परमात्मा के घर की, ठीक है, वो घर में जिसमें उस हृदय घर के साथ जब भी स्यारी लग जाए ना, आप समझ लें घर विच वहां पर मतलब हो जाते हैं, या फिर इंसान के हृदय की बात हो रही होती है, जो इंसान का हृदय है उसके लिए घर लफ्ज वर्ता जाता है, और घर के साथ अगर अंकुर आ जाए तो अक्सर औकात परमात्मा के लिए भी वर्ता जाता है, और अक्सर औकात जो है ये समझ के लिए या परमात्मा के घर के लिए वर्ता जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर अर्थ लिख लेते हैं, यहाँ पर गुरु महाराज क्या फरमान कर रहे हैं, जेकर पूजा अपना ता नींद न होई, जेकर परमात्मा के घर की समझ आ जाए, ठीक है, बूझ आ जाए, समझ आ जाए कि मुझे किस घर की तरफ जाना है या किस घर में जाना है या परमात्मा की दरगाह का पता चल जाए, ठीक है, तब नींद जो है उड़ जाती है, वो बंदा सोने के लायक नहीं रहता, मीन्स के आलस उसके पास नहीं जाती या आलस उसमें नहीं जाती। यहाँ पर गुरु महाराज का ये मतलब है। और नींद यहाँ पर एक और भी हमें अर्थ देती है, वो क्या, क्योंकि दुनिया में, दुनिया के विकारों में हम रब की बंदगी भुला के, रब की बंदगी भुला के हम सोए हुए हैं एक तरह के, पर जब हमें समझ आ जाती है रब की बंदगी के बारे में या रब के घर के बारे में, रब की सच्चाई के बारे में, तब हम एकदम जाग जाते हैं उसकी बंदगी करने के लिए, ठीक है संजय जी। थोड़ी शायद आवाज कट हो रही हो मेरे ख्याल से, अगली पंक्ति की तरफ आ जाते हैं, अगली कुछ एग्जांपल्स की तरफ से आ जाते हैं। तन किसी पर्टिकुलर स्पेशीज की बॉडी को कहते हैं और दे अलग अलग जीव स्पीशीज को कहते हैं, नहीं नहीं, तन जो है इंसानी बॉडी को ही कहा जाता है, तन भी इंसानी शरीर को कहा जाता है और देह भी शरीर को ही कहा जाता है। यहाँ पर गुरु महाराज ने दो लफ्ज वर्ते हैं, तन और देह, ताकि हमें क्लैरिफाई हो सके कि अंकुर की व्याख्या भी हमने समझनी है, ठीक है, क्योंकि देखिए तीनों लफ्जों को गुरु महाराज ने अंकुर लगा दी, पर साथ ही साथ गुरु महाराज ने एक और ऐसा वर्ड डाल दिया ताकि हमें पता चले कि स्त्रीलिंग नाउंस को या स्त्रीलिंग लफ्जों को अंकुर नहीं लगती। आवाज शायद कट हो गई है जी, मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा। यहां पर गुरु महाराज फरमा रहे हैं, जे कर पूजे अपना ता नींद न होई। संजय जी आवाज क्लियर है अभी या अभी तक कट हो रही है? क्लियर है, ओके है, ठीक है, बाकी सबको क्लियर आ रही है? जिन संगतों को क्लियर नहीं आ रही आवाज, वो एक बार अपना इंटरनेट भी चेक कर लें, और घर में अगर कुछ और डिवाइसेस वर्क कर रही हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए ऑफ करवा दें। जेकर पूजा अपना ता नींद न होई, नींद देखिए हमें नींद कहा जाता है सोने को, ठीक है, और नींद पर अंकुर नहीं लगी हुई, मीन्स की यहाँ पर नींद स्त्री लंग लफ्ज है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु महाराज बात कर रहे हैं, जो अगर परमात्मा के घर की हमें समझ आ जाए, बूझ आ जाए, ठीक है, बूझ है कहा जाता है समझ को या अकल को, ठीक है, बूझ हो जाए, जेकर पूजे अपना ता नींद ना होई, जो अगर परमात्मा के घर की समझ आ जाए, बूझ आ जाए, तो नींद नहीं आती, ठीक है, नींद ना आने का मतलब कि इंसान जाग जाता है उस परमात्मा की बंदगी करने के लिए,
नहीं तो जब तक हमें परमात्मा के घर की या परमात्मा की सच्चाई की नहीं पता होती तब तक हम सोए ही हुए होते हैं दुनिया में। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जितनी भूख अन्न रस साध है ततनी भूख फिर लागे। देखिए भूख भी जैसे कि पहले एग्जांपल्स दी थी, भूख भी हमारे पास क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग लव्स है, इस वजह से भूख के साथ भी अंकुर नहीं लगी हुई। ठीक है, जितनी भूख अन्न रस साध है, जितनी भूख हमें अन्न रस साधों की है, ठीक है, अन्न कहा जाता है रोटी को, रस रस को ही कहा जाता है, और साध कहा जाता है स्वादों को। ठीक है, जितनी हमें भूख जो है अन्न रस स्वादों की है, तितनी भूख मीन्स के मन को भी उतनी भूख है परमात्मा से मिलन की, या मन को भी उतनी ही भूख है परमात्मा के नाम की। जी हाँ, घर स्यारी और अंकुर वाले में ये डिफरेंस बता रहा था कि घर के साथ अगर स्यारी आ जाने तो अक्सर औकात स्यारी जब घर के साथ आ जाती है तब वो वर्ता जाता है इंसान के घर के लिए या फिर इंसान के हृदय के लिए। ठीक है, उसके क्या मतलब निकलते हैं वो हम आगे जाके जो है जरूर जब हम स्यारी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो हमें क्लियर होता जाएगा। ठीक है, पर जहाँ पर घर को अंकुर लग जाए तो समझ जाए कि परमात्मा के घर की बात हो रही है या परमात्मा के हृदय की बात हो रही है या उस हृदय की बात हो रही है जिस हृदय में केवल सच बसता हो। आन नहीं, अन यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं हुआ क्योंकि अन रोटी को कहा जाता है और रोटी होती है। जी हाँ, अन भी बिल्कुल यहाँ पर स्त्रीलिंग हुआ। ठीक है, अन रोटी को कहा जाता है और रोटी भी हमारे पास क्या होती है, स्त्रीलिंग शब्द होता है, इस वजह से अन को भी अंकुर नहीं लगी। रस और स्वाद को इस वजह से नहीं लगी क्योंकि यहाँ पर बहुत रसों और बहुत से स्वादों की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और जो है उदाहरण देख लेते हैं गुरबाणी की। जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, पहले तो यहाँ पर श्रद्धा नहीं पढ़ा जाएगा जैसे कि हमने व्याख्या पहले पढ़ी थी, क्यों जो है श वाले शब्द उच्चारण किए जाते हैं या ज वाले शब्द उच्चारण किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है श्रद्धा नहीं पढ़ा जाएगा, श्रद्धा पढ़ा जाएगा। जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, प्यास भी हमें क्या है, लगती है, प्यास भी हमारे पास स्त्रीलिंग लव्स है तो इस वजह से प्यास पर भी अंकुर नहीं लगी। जी हाँ, नींद का उच्चारण नींद ही किया जाएगा, पर अगर हल्का सा आप नासकी उच्चारण भी करेंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। नासकी उच्चारण कहा जाता है जो हल्की सी बिंदी की आवाज दिया जाए, नींद। ठीक है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, और क्यों गलत नहीं होगा ये भी हम आगे जाके शुद्ध उच्चारण में जरूर पढ़ेंगे। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिन पर बिंदी की उच्चारणता बहुत ज्यादा ही जरूरी हो जाती है। ठीक है, अगर हम बिंदी की उच्चारणता ना करें तो लफ्ज के जो अर्थ हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर नींद बोलते हैं, हल्की सी बिंदी की उच्चारणता करते हैं या नन्हे की उच्चारणता करते हैं हल्की सी, जिसको नासकी उच्चारण कहा जाता है, ठीक है, तो वो गलत नहीं होगा हमारे पास। और वो क्यों गलत नहीं होगा ये हम शुद्ध उच्चारण में आगे जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी पूरी व्याख्या आपको पढ़ाई जाएगी। जितनी, जी हाँ, स्त्रीलिंग हो गए, तितनी भी हमारे पास स्त्रीलिंग हो गई वर्ड्स। ठीक है, एक और व्याख्या देख लेते हैं। साची गुर की साची सीख, सीख कहा जाता है सिख्या को, सिख्या ली जाती है, लिया नहीं जाता कभी भी। ठीक है, इस वजह से सीख को भी अंकुर नहीं लगी कि साचे गुर की साची सीख, सच्चे गुरु की उसकी सिख्या भी जो है ना वो भी सच्ची है। तमाशा होता है वर्ड, तमाशा नहीं होता, वहां पर भी उच्चारण था तमाशा ही की जाएगी। आवाज क्लियर है संगत जी? अभी एक और रीजन पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बाकी रीजंस पढ़े। अगर हमारे पास नाउन एकवचन पुल्लिंग हो तो उसके विशेषण को अंकुर लग जाती है, अगर नाउन हमारे पास बहुवचन हो तो उसका विशेषण जो है वो भी अंकुर के बिना ही आता है। इसी तरह स्त्री लिंग के विशेषण जो होते हैं उन पर भी अंकुर नहीं लगती, जैसे कि यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है स्त्रीलिंग नावा दे विशेषण भी सदा मुक्ता सहित आंदे हन। स्त्रीलिंग के जो विशेषण होंगे वो भी मुक्ता सहित ही आएंगे, मीन्स के उनके साथ भी
अंकुड़ नहीं लगेगी। लास्ट वाली पंक्ति मैं दोबारा एंड ऑफ द लेक्चर में रिपीट कर दूंगा, ठीक है संध्या जी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं गुरबाणी में से कि किस तरीके से विशेषण के साथ भी अंकुर नहीं लगती अगर नाम हमारे पास स्त्रीलिंग हो। गुहज गलची की कीचे सतगुरु सतगुरु पास ता सर्व सुख पाया। गल हमारे पास यहाँ पर नाउन है। आवाज संगत जी क्लियर है या कट हो रही है, क्योंकि कुछ संगतों के मैसेज आ रहे हैं कि हमको आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर है जी, बाकी संगतों को क्लियर है, जिनको क्लियर नहीं है वो इंटरनेट अपना एक बार चेक कर लें। गल कहा जाता है बात को, और बात हमेशा की जाती है, किया जाता नहीं है। बात हमारे पास क्या है, गल क्या है, स्त्रीलिंग लफ्ज है। गुहज कहा जाता है अंदरली बात को, ठीक है, अंदरली या फिर गहरी बात को, जो हमारे अंतर में बात होती है ना, या अंतर की जो अवस्था होती है। गुरु महाराज कहते हैं उस चीज का जिक्र या अंतर में जो भी बात हो उस चीज का जिक्र जो है सतगुरु पास किया जाए, ठीक है, ता ही हमें सर्व सुख मिल सकते हैं, ठीक है। सर्व मीन्स के दुनिया के सुख पर अंकुर लगा हुआ है, मीन्स के एक सुख की बात करें गुरु महाराज, सुख पाई है, दुनिया के जितने भी सुख हैं वो एक ही सुख में मिल जाते हैं, क्योंकि गुरु पिता से जब हम बातें शेयर करते हैं तो गुरु पिता हमारे अंतर की अवस्था डेवलप कर देते हैं कि हम गुरु से या परमात्मा से बात करने की एबिलिटी रख पाते हैं, ठीक है। गहज गले जी की जय सतगुरु पास ता सर्व सुख पाई है। यहाँ पर गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि अंतर की आपकी जो भी बात हो, जो भी गल हो, वो सतगुरु के पास करनी चाहिए, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गुरपुरा हर उपदेश दे सब बुख लह जाइए। गुरपुरा पूरा गुरु हरि का उपदेश देता है ता ही जो है भूख, जितनी भी भूख है, ठीक है, भूख यहाँ पर हमारे पास स्त्रीलिंग है, और इसका विशेषण भी हमारे पास क्या आ गया, स्त्रीलिंग ही आ गया, क्योंकि विशेषण को भी अंकुर नहीं लगी, ठीक है। तो भूख हमारे पास क्या होता है, स्त्रीलिंग लफ्ज होता है, भूख हमें लगती है, ठीक है, इस वजह से इसके विशेषण को सबको भी अंकुर नहीं लगी। गुरपुरा हर उपदेश दे सब भूख लह जाइए, सारी भूख जो है वो उतर जाती है। देखिए सर्प कहा जाता है बहुत सारों को, ठीक है, सर्प सारों के लिए, सारी दुनिया के लिए या सारों के लिए सर्व लफ्ज बरता जाता है, पर गुरु महाराज ने सुख पर अंकुर लगा दी, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर सर्व जो विशेषण है वो सुख के साथ रिलेटेड नहीं है। सुख पर गुरु महाराज ने अंकुर लगा दी तो समझ जाएं गुरु महाराज एक सुख की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से आपको विशेषण और नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आपको अगर गुरबाणी में इस तरीके से वर्ड्स आ जाएं जहां पर विशेषण पर अंकुर ना लगी हो और नाउन पर अंकुर लगी हो, तो आप समझ जाएं यहाँ पर विशेषण किसी और की विशेषता प्रकट कर रहा है या विशेषण यहाँ पर खुद ही नाउन है, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह है, सर्व यहाँ पर नाउन है, सारों की बात हो रही है, सारी दुनिया की। नाउन कहने का मकसद चले ये विशेषता प्रकट कर रहा है, पर नाउन कहने का इसलिए मैंने नाउन कह दिया क्योंकि अक्सर औकात गुरबाणी में इस तरीके से वर्ड्स आ जाते हैं जो होते विशेषण है पर नाउन भी उनसे प्रकट हो रहा होता है। अगर नाउन पर अंकुर लगी है और विशेषण पर अंकुर नहीं लगी, ठीक है, तो आप समझ जाएं उस विशेषण का नाउन के साथ संबंध नहीं है, ठीक है। सुख यहाँ पर गुरु महाराज सुख एक सुख की बात करें जो हमें परम सुख हासिल हो जाता है, ठीक है, तो इस वजह से सुख पर अंकुर लगी है और सर्व सारों की बात हो रही है। उम्मीद है ये क्लियर होगा। गुरपुरा हर उपदेश दे सब सुख गुरपुरा हर उपदेश दे सब बुख लह जाइए। गुरपुरा हरि का उपदेश देता है, ठीक है, हरि का ज्ञान देता है, ताही जो है दुनिया की जितनी भी भूख है या मन के अंदर जितनी भी प्यास है या भूख है वो सारी उतर जाती है, लह जाइए। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं गुरबाणी में से, सब यहाँ पर विशेषण होगा। गुरा एक देह बुझाई, इसको लह पड़ा जाएगा,
ठीक है, क्योंकि लह यहाँ पर क्रिया है, ठीक है, तो हाय की सारी यहाँ पर उचारी जाएगी, ठीक है, सब भुख लह चाहिए, ठीक है। गुरा इक देह बुझाई, यहाँ पर गुरु महाराज देखिए नाउन कौन सा है यहाँ पर हमारे पास, बुझाई हमारे पास नाउन है, बुझाई का मतलब होता है समझ या फिर अकल जो है बुझाई का मतलब होता है। गुरा एक देह बुझाई, देह हमारे पास यहाँ पर क्रिया है और गुरा हम गुरु को पुकार करें, ठीक है, हे गुरु जी, गुरा एक देह बुझाई, एक के साथ यहाँ पर अंकुर क्यों नहीं लगी, विशेषण है यहाँ पर एक हमारे पास, इसलिए नहीं लगी क्योंकि बुझाई जो है हमारे पास वो स्त्रीलिंग नाउन है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग वर्ड है, बुझाई का मतलब होता है समझ अकल, और समझ आती है आता नहीं है, ठीक है, होती है होता नहीं है, इस वजह से इसकी विशेषण एक के साथ भी अंकुर नहीं लगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो दूसरी एग्जाम्पल है जहां पर एक पर अंकुर आ जाता है, उसके पीछे क्या रीजन था कि उसका जो नाउन है वो एक वचन पुलिंग था, जैसे कि आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल शो हो रही है, सपना जिया का एक दाता सोमाए विसरन जाई, ठीक है, यहाँ पर एक पर अंकुर क्यों लगी है, क्योंकि दाता जो उसका नाउन है वहां पर एक दाता की बात हो रही है, एक वचन पुलिंग है दाता हमारे पास, इस वजह से एक पर उसके विशेषण पर अंकुर लग गई, ठीक है। और ऊपर वाली जहां पर हमारे पास एग्जाम्पल है जहां पर एक को अंकुर नहीं लगी हुई, उसके पीछे क्या रीजन था कि उसका जो नाउन था बुझाई वो स्त्रीलिंग था, इस वजह से उसके विशेषण के साथ अंकुर नहीं लगी। तो समझे, हमें दो रीजंस पता चल गए, एक जब भी हम गुरबाणी में आता है एक एक अंकुर के साथ आता है, एक एक बिना अंकुर के आता है, एक एक स्यारी के साथ आता है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं कि अगर एक अंकुर के साथ आए तो वो एक वचन पुलिंग के लिए होगा, विशेषण होगा, ठीक है। अगर एक स्यारी के साथ आए तब वो स्त्रीलिंग का विशेषण होगा। अभी एक और कॉन्सेप्ट बस हमने समझ रहे हैं, वो किसका है, एक जब स्यारी के साथ आए तब उसकी क्या मतलब निकलेंगे, जो हम स्यारी के जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्यारी के जब हम रूल पढ़ेंगे, स्यारी की जब हम व्याख्या पढ़ेंगे तब हमें वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बस विशेषण की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमने पहले भी देखी थी और उसको ही दोबारा क्लियर किया जाएगा। कवण सुवेला वखत कवण कवण थित कवण वार, देखिए यहाँ पर हमारे पास नाउन कौन कौन से हैं, वेला भी नाउन है, वक्त भी नाउन है, वार भी नाउन है हमारे पास, ठीक है। एक वेला की बात हो रही है, इसलिए वेला का जो विशेषण है कवण, जो सबसे पहले लिखा हुआ है कवण सुवेला, इसलिए कवण के साथ अंकुर लग गई, ठीक है। इसी तरह वक्त कवण, वक्त भी वक्त के साथ अंकुर लगी हुई है, एक ही वक्त की बात हो रही है, इस वजह से गुरु महाराज ने उसके विशेषण कवण को भी अंकुर लगा दी। और साथ ही साथ जब हमारे पास दूसरा कवण आ जाता है कवण थित, थित हमारे पास होती है, ठीक है, थित्ती कहा जाता है थित को, थित के जो मीनिंग होते हैं वो थित्ती होती है, और थित हमारे पास जो है स्त्रीलिंग लफ्ज है, स्त्रीलिंग शब्द है या स्त्रीलिंग वर्ड है, तो इस वजह से इसके विशेषण को अंकुर नहीं लगी, कवण थित कवण वार, ठीक है। संजय जी, उम्मीद है आप सबको ये क्लियर हो। जी संगत जी, अभी आप सवाल कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। कवण कहा जाता है कौन सा, कवण का मींस कौन सा, थित कहा जाता है जो चंद्रमा की चालें होती हैं या चंद्रमा की जो मूवमेंट होती है उसके हिसाब से जो दिन बनाए जाते हैं उनको थित कहा जाता है, ठीक है। वार कहा जाता है जो सूरज की मूवमेंट से दिन बनाए जाए या सूरज की मूवमेंट से जो टाइम सेलेक्ट किया जाए उसको जो है वार कहा जाता है, जो हमारे पास मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे आ जाते हैं, सैटरडे संडे आ जाते हैं। और थित कहा जाता है वो वक्त को जो चंद्रमा की मूवमेंट से बनाया जाए। जी सवाल देखूं आपके, कवण का मतलब बता दिया, थित का भी मतलब बता दिया, अंदली मींस अंदरूनी, अंदली कहाँ लिख, अंदरली, जी हाँ अंदरली मीन्स अंदरूनी, अंदरूनी बिल्कुल सही। गुरा एक देह बुझाई का मीन, ठीक है मैं बता देता हूँ, थित मीन्स थित्ती, जी हाँ थित मीन्स थित्ती, ये
एक वाले वर्ड्स थोड़ा दोबारा सा एक्सप्लेन करें, ठीक है ना? दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड पंक्ति में नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है बता देता हूँ, वो भी बुरा एक बेबुझाई का मीन दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा वेट करने भैया। सो हमारा प्रोनाउन होगा सो कौन सा, कौन सुवेला जी। सो हमारे पास यहाँ पर जो है संबंधक होगा, ठीक है, क्योंकि कवण और वेला के बीच में आ गया तो दोनों लफ्जों का संबंध पैदा कर रहा है। कवण का मतलब होता है कई, कवण मीन्स के कौन सा, सॉरी कवण का मतलब कई नहीं होता, कवण का मतलब होता है कौन सा, ठीक है, कवण। अच्छा आपने से कुछ संगतों ने कहा कि तीसरी पंक्ति में एक्सप्लेन कर दूं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर पहले मैं आपको नाउन भी बता देता हूं, गुर पूरा हर उपदेश के सब बुक ले जाइए। यहां पर हमारे पास नाउन जो है वो है बुक, उसके बाद उसका विशेषण है सब, उसके बाद जो है उपदेश भी हमारे पास नाउन है, ठीक है, हर भी हमारे पास नाउन है, और पूरा गुरु का जो है विशेषण है, गुरु हमारे पास नाउन है। यहाँ पर गुरु महाराज जो है कह रहे हैं कि गुरु पूरा हर उपदेश दे, पूरा गुरु हरि का उपदेश देता है, ठीक है, हरि का ज्ञान देता है, तब ही हम जो दुनिया की भूख है, गुरु महाराज कह रहे हैं सब भूख लह जाइए, ठीक है, जितनी भी हमारी भूख है सब भूख, ठीक है, सब पर इसलिए ओंकार नहीं लगी क्योंकि उसका जो नाउन है भूख वो हमारे पास स्त्री लेंगे, इस वजह से सबको भी अंकुर नहीं लगी, ठीक है, सब बुक ले जाइए, नीचे सारी बुक उतर जो उतर जाती है। यहाँ पर सब के अर्थ मैं आपको बता दूं, सब के यहाँ पर क्या अर्थ होंगे, सारी, जब सबके साथ अंकुर लग जाए तो उसका अर्थ क्या होगा, सारा, ठीक है, सबके साथ अंकुर लगने का मतलब उसका अर्थ होगा सारा, और सबके साथ अगर अंकुर नहीं लगी हुई तो उसका मतलब होगा सारी, ठीक है संजय जी। अच्छा एक वाले कॉन्सेप्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, गुरा एक देह बुझाई, और हमारे पास दूसरी पंक्ति यहाँ पर आ जाती है, सपना जिया का एक दाता सुमाए विसर न जाई। देखिए पहला जो हमारे पास एक आ जाता है, गुरु को पुकार करते हैं हम, गुरा कहते हैं, गुरा हे गुरु जी एक देह बुझाई, यहाँ पर एक को अंकुर नहीं है, क्यों नहीं लगी हुई, क्योंकि इसका जो नाउन है बुझाई का मतलब होता है समझ अकल, बुझाई हमारे पास स्त्री लिंग लग है, इस वजह से एक को अंकुर नहीं लगी, ठीक है, मीन्स के अगर नाउन हमारे पास स्त्री लिंग होगा तो उसके विशेषण को भी अंकुर नहीं लगेगी। इसी तरह जब हमारे पास दूसरी पंक्ति आ जाती है, सपना जिया का एक दाता, वहां पर हमारे पास नाउन दाता एक वचन पुलिंग है, इसी वजह से एक के साथ अंकुर लग गई। फोर्थ पंक्ति मैंने रिपीट कर दी और पहली पंक्ति मैं दोबारा समझा देता हूँ, और अगर स्यारी लग जाए किसके साथ आप बात करें, स्यारी संध्या राजानी जी आप बता दें किसके साथ आप स्यारी की बात कर रही हैं। जी पहली पंक्ति मैं समझा देता हूँ, गोहे जगल जी की जय, सतगुरु पास ता सर्व सुख पाइए। गुहज कहा जाता है अंदरली बात को, ठीक है, अंदरली बात को, गल कहा जाता है बात को, बात हमेशा की जाती है, इस वजह से गुहज जो उसका विशेषण है उसके साथ अंकुर नहीं लगी। अगर गुहज कहीं पर आप देखें गुहज को अंकुर लगी हो तो उसका मीनिंग हो जाएगा अंदर ला, ठीक है, पर अगर अंकुर नहीं लगी हुई तो क्या मीनिंग हो जाएगा, अंदरली, ठीक है, जैसा नाउन होगा वैसा विशेषण होगा, नाउन से विशेषता प्रकट होती है और नाउन से ही विशेषण के अर्थ थोड़े से चेंज हो जाते हैं, अगर उनके साथ अंकुर लगी है या नहीं लगी तो उसी हिसाब से उसके अर्थ या उसकी उससे उसी हिसाब से उसके मीनिंग्स होंगे, ठीक है संगत जी। गहज गल जी की जय, सतगुरु पास ता सरब सुख पाइए। गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि गहज गल जो अंदरली बात है जी की, वो सतगुरु के पास हमेशा करनी चाहिए, ठीक है, ही जो है हमें सुख प्राप्त हो सकते हैं। जी एक सेकंड रुक जाएं, काफी क्वेश्चंस आ गए। जी संध्या राजानी जी, सबके साथ अगर स्यारी आ जाए ना तो उसका क्या मीनिंग, हम यही रोज में पढ़ेंगे, सब स्यारी साथ उसका मीनिंग होता है सारे,
सब अंकुर के साथ आ जाए तो सारा, मीन्स पे अंकुर ना लगी हो तो सारी, तो अगर सब स्यारी के साथ आ जाए तो उसका मतलब हो जाएगा सारी। आप अभी अपने पास लिखते हैं, पर जब हम ये स्यारी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगी ये बात। भैया आप ये भी बताएं कि जब नन्हे कन्ना लिखा होता है तो ना ही पढ़ते हैं, पर जब नन्हे मुख लिखा होता है तो उसको कन्ना लगा के क्यों पढ़ा पढ़ते हैं गुरबानी में? देखिए कन्ना लगा के पढ़ना गलत है, नन्हे मुख ही पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी हुई है, सेकंड लास्ट एग्जांपल, सबना जिया का इक दाता सोमाय विसर न जाई, यहाँ पर ना नहीं पढ़ना, ठीक है संदीप जी? संजय जी आप में से एक नंबर शो हो रहा है मुझे, यहाँ पर नेम शो हो रहा है Realme 3, यहाँ पर आप चैट्स में अपना नाम लिख दें या फिर जो है पार्टिसिपेंट लिस्ट में अपना नाम चेंज कर दें या चैट में ही बता दें अपना नाम, ताकि आपकी अटेंडेंस भी लग सके और पता भी चल सके कि कितनी संगतें ग्रुप में जो भी एडेड हैं वो कितनी संगतें जो है गुरबाणी व्याकरण की क्लासेस ज्वाइन कर रही हैं। देह कहा जाता है देने को, देह के साथ सारी लगी हुई है इस वजह से देह यहाँ पर हमारे पास क्रिया है, ठीक है? देह देने को कहा जाता है। गुरा एक देह बोझाई, मुझे एक समझ बख्शो, ठीक है एक देह बख्शो। देह का मतलब यहाँ पर क्रिया है दीजे, ठीक है देह का यहाँ पर मतलब हो जाएगा दीजे, ठीक है। उपदेश मीन्स पैगाम, मैसेज ऑफ गॉड, जी हाँ बिल्कुल। भैया आप गुहेज में ही क्यों पढ़ रहे हैं, गुहेज सही नहीं होगा, गुहेज उच्चारण हो रहा है गुहेज। असल में हाय मुक्त जब भी हमारे पास आ जाते हैं ना उसकी अक्सर औकात उच्चारणता ऐसी होती है क्योंकि लफ्ज ऐसा है कि ऐसा लगता है यहाँ पर स्यारी लगी हुई है या लामा लगी हुई है, अक्सर औकात हमारे पास लफ्ज आ जाते हैं जैसे शहर, ठीक है ऐसा लगता है शहर के साथ बेशक हाय मुक्ता ही लगा होता है पर ऐसा लगता है हाय लावा उच्चारण हो रही है। भैया उपदेश, उपदेश मीन्स के जो है गुरु का हुक्म, ठीक है या परमात्मा का हुक्म, ठीक है उपदेश कहा जाएगा। पैगाम या फिर हम कह सकते हैं मैसेज, उपदेश हुक्म को भी कहा जाता है, मैसेज को भी कहा जाता है, पैगाम को भी कहा जाता है। फोर्थ पंक्ति में देह स्त्रीलिंग नहीं है, फोर्थ पंक्ति में देह क्रिया है, देह का मतलब है दी जय, ठीक है मुझे मीन्स के हे गुरुजी मुझे एक समझ बख्शो या मुझे एक समझ दो, ठीक है हम बोल रहे हैं एक समझ दो हमें, दी जय देह का मतलब हो जाएगा दी जय, हाय स्यारी लगी हुई है। देह हमारे पास नाउन तभी आएगा जब हाय मुक्ता हो, ठीक है अगर हाय अंकुर लग गई तब भी क्रिया हो जाएगी, हाय स्यारी लग गई तब भी क्रिया हो जाएगी देह। जी संगत जी ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं या अगर अभी भी कुछ क्लैरिफिकेशन हो या फिर अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए गुरु महाराज जो है ना सेंटेंस के मुताबिक ओंकुर या स्यारी लगाते हैं, ठीक है हमें सिर्फ इतना पता है, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है कि हाय स्यारी भी अगर लग जाए तब भी वो क्रिया होगा, अगर हाय अंकुर लग जाए तब भी वो क्रिया होगा, अगर हाय मुख लगे तब वो नाउन हो जाएगा, तब वहां पर देही की बात हो रही होगी, ठीक है पर यहाँ पर गुरु महाराज ने स्यारी लगाई है वो गुरु महाराज रचना जाने कि उन्होंने क्यों लगाई है, पर अगर हम सेंस देखें सेंटेंस का तो देहो यहाँ पर वर्ता भी नहीं जा सकता, गुरा एक देहो बुझाई सेंटेंस की मीनिंग नहीं बनेगी, ठीक है इस वजह से गुरु महाराज ने यहाँ पर हाय स्यारी लिखी है या हाय स्यारी लगाई है। जी गुहेज में हे क्यों पढ़ा जा रहा है, देखिए अक्सर औकात हाय मुक्त वाले जो भी लफ्ज आ जाते हैं हाय मुक्त जब भी सेंटर में आ जाता है ना बीच में आ जाता है तो उसकी उच्चारणता हाय लावा या हाय स्यारी करके निकलती है, ठीक है गुहज उच्चारणता थोड़ी सी अजीब लगेगी या गलत उच्चारणता हो जाएगी, गुहेज उच्चारणता बिल्कुल सही है, ठीक है क्योंकि ये लफ्ज ऐसा है, ठीक है यहाँ पर गुहज अगर लगे हम लोग गुहज बोलेंगे तो वो अजीब लगेगा थोड़ा सा,
पर गहज उच्चारण था अजीब नहीं लगती, बिल्कुल सही उच्चारण था। हाय मुक्त वाले जितने भी हमारे पास लफ्ज आते हैं उन पर उच्चारण था हाय लावा या हाय स्यारी करके ही होती है, ठीक है। जी उच्चारणता जैसे ही हमारे व्याकरण के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एट द एंड ऑफ जो हमारे आखिरी चार क्लासेस होंगी उसमें उच्चारणता ही सिखाई जाएगी। जी संगत जी, अगर आप सबको आज का लेक्चर क्लियर है या पिछला कुछ भी आपका क्वेश्चंस नहीं है तो आप हैंड रेस्ट कर दें अगर आपको लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया। कवर थित मीन्स के देखिए कवर थित की मतलब हो जाएगा कौन सी थित, ठीक है। थित कहा जाता है चंद्रमा की जो मूवमेंट होती है, मैं आपको बता भी देता हूँ थित कौन कौन सी हमारे पास होती है, एक मिनट देते मुझे। थित हमारे पास होती हैं एकम दूज तीज, ठीक है। ये जो लफ्ज वर्ते जाते हैं ना मोस्टली जो पुरातन धर्म के मुताबिक जो चंद्रमा की मूवमेंट के बाद टाइमिंग या डेज बनाए गए हैं एकम दूज तीज, ठीक है, उनको थित कहा जाता है, ठीक है। कौन सी थित यहाँ पर कवण के मतलब हो जाएंगे कौन सी, और कवण से वेला मतलब हो जाएगा कौन सा वेला कौन सा वक्त, ठीक है, कौन सा वार। थित आ गई तो मतलब कौन सी थित, ठीक है संदीप जी। टोटल कितनी थितें हैं ये तो इतना ज्ञान है नहीं, टोटल कितनी थितें हैं इसका मालूम नहीं है मुझे, पर जैसे कुछ थित की एग्जांपल्स ही मैंने आपको बता दी कि एकम जो होती हैं दूर जो होती हैं तीज होती हैं जो चंद्रमा की मूवमेंट से टाइम पीरियड बनाया जाए या वक्त बनाया जाए उसको थित कहा जाता है। जी कमर में अंकुर नहीं लगी हुई और इसकी व्याख्या समझा चुका हूँ, क्योंकि थित कमर का जो नाउन है ना जहाँ पर रेड हुआ हुआ है, ठीक है, कमर ग्रीन हुआ हुआ है जिसमें अंकुर नहीं लगी हुई, नाउन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्त्रीलिंग है इसी वजह से इसके विशेषण को कमर को भी अंकुर नहीं लगी। वार बिल्कुल सिंगुलर है क्योंकि वार पर अंकुर लगी हुई है। पिछले वाले लेक्चर में कुछ कंफ्यूजन है भैया, संगत जी जिन्होंने ये सवाल लिखा है पहले तो वो अपना नाम मेंशन कर दें क्योंकि मोबाइल का नाम लिखा हुआ है ताकि मुझे पता चल जाए, और ये एक और नाम भी आ रहा है वीवो 1907, आप भी अपना नाम मेंशन कर दें ताकि संगतों का पता चल जाए कि कौन कौन सी संगतें ग्रुप में से कनेक्टेड है। देखिए नाम लिखने में कोई इशू नहीं है, सारी संगतों ने नाम लिखे हुए हैं अपने, नाम आपकी पहचान है ताकि आपको पुकारा जा सके उस नाम से। जी कितने संगतों के हैंड रेज हैं, 11 संगतों के सिर्फ हैंड रेज हैं और 40 संगतें कनेक्टेड है, मीन्स की बाकी संगतों को या तो लेक्चर क्लियर नहीं है या फिर उन्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा,